सो यहाँ पे ना हमें मिजो सिखाई जा रही है अलग अलग वर्ड्स. व्हाट डू यू से थैंक यू इन मिजो? कलोमे. ओके, एक वर्ड सीख लिया कलोमे. ये काम का वर्ड है. राइम्स राइम्स नॉट करेक्ट. कलोमे कलोमे. ओके राइट. सो कलोमे मिल गया एक वर्ड हमको. व्हाट इज हेलो? हाउ डू यू ग्रीट समवन? हेलो, नमस्ते. कदम में कदम में कदम में कदम में. I'm fine. I'm fine. कदम में. कदम में. कछाए. या अच्छा है. कदम में अच्छा है. ये थोड़ा. How are you? इदम में. इदम में. इदम एम. इदम में. How are you? इदम में. M means question. Question. इदम एम. इदम में. इदम एम. How are you? How are you? इदम में. How are you? बस ऐसे अंग्रेजी सीखना ओखी पड़ी थी हमें. अब मिजोरम और सीख लेंगे और ये ओखी पड़ जाएगी. सो दोस्तों मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है. ये साबुन है कपड़े धोने का. ऐसा साबुन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा. और अपन ने ले ली, अपन ने ले ली चाय यहाँ पे. ठीक है, शॉप पे आए थे मैम की और चाय पीने मन कर रहा था. चाय तो वैसे सुबह मॉर्निंग टेंट में पी ली थी पर और चाय पीने मन कर रहा था. है कि नहीं पाजी? कुछ नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं. बिस्किट बिस्किट और चाय पीते हैं मस्त. और फिर ना अपन को कपड़े धोने हैं. ये कपड़े धोने वाले साबुन से है. बहुत दिन मतलब बहुत दिन तो क्या, कपड़े तो थोड़े दिन पहले धोए थे लेकिन कपड़े बहुत गंदे हो गए क्योंकि बारिश की वजह से स्मेल आ गई है उसमें. और कुछ नहीं है ना. सो चाय मांगी थी हमें, कॉफी मिल गई. थैंक यू फॉर द टी. ओ कॉफी. चाय मांगी थी और कॉफी दे दी उन्होंने लेकिन कॉफी भी बढ़िया थी. तो दोस्तों अपन को नहाने की जगह मिल चुकी है. और मिजोरम में ना एक ही चीज़ सबसे अच्छी है, आपको नहाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको नेचुरल वाटर सोर्सेज बहुत जगह मिल जाएगी, कहीं भी आप नहा सकते हो मजे से. बस टेंशन एक ही चीज़ की होती है कि कहीं कोई कीड़ा और सांप ना आ जाए. है कि नहीं पाजी? रात को कीड़े से टेंशन, सवेरे सांप दी टेंशन. कपड़े कटे? ओ हाँ, अपन यहाँ पे कपड़े भी धो लेंगे आज. कपड़े पूरे धो लेंगे और फिर निबड़ जाएंगे दो तीन दिन के लिए. तो दोस्तों यहाँ कपड़े धो रहे हैं हम अपने और देख रहे होंगे अब साबुन हम लेके आए थे कितना बड़ा मैंने आपको दिखाया था और कितना से रह गया है. सो भाई ने तो अपने कपड़े धो लिए, अपने हेवन भाई ने. बस मेरे ही कपड़े बचे थे, मैं भी धो लूँ अपने फटाफट और फिर फ्री हो जाएंगे. ठीक है, फिर आगे चलना है और आपको ये शहर भी दिखा रहा है. शहर क्या, छोटा गाँव ही समझ लो लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है. और एक बात आ रहा हूँ मैं आपको, ये कपड़े ना मैंने पहले धोए थे अपना वहाँ पे धोए थे गुवाहाटी में. तो कपड़े पता है गंदे कैसे हो गए? क्योंकि बारिश हुई ना तो इनमें स्मेल आने लग गई, तो धोने पड़े. नहीं तो धोने की जरूरत नहीं थी मुझे तो. खैर, पर धो ले तो बढ़िया लगे ना. नए नए कपड़े साफ सुथरे पहनेंगे तो मजा भी आया वीडियो बनाने में. तो बस अपने कपड़े धुलने वाले हैं और यहाँ भी जगह मिल गई थी नहाने धोने की. ना भी लेंगे आराम से मस्त, कपड़े भी धुले ना भी धो लिए. तो एक ही जगह से दो काम निकल आए, मस्त फ्री हो जाएंगे अब. ओह आज हो रही वाली मौज कर रही वाली. सो दोस्तों अपने ना कपड़े सूखा दिए हैं हमने और रस्सी ना अपने बाइक पे बांधने वाली सारी यूज कर ली है. अब प्रॉब्लम ये है सामान कैसे बांधेंगे. क्यों भाई, कैसे सामान बांधोगे? बन जाए. ओहो, हर मुश्किल का हाल अकबर बीरबल. नहीं, हर मुश्किल का हाल जुकिंदर. बीरबल जुकिंदर. सो अपने कपड़े पूरे लग गए पर प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ कपड़े छोड़ के जा रहे हैं. वैसे तो मिजोरम पे बहुत भरोसा है, कपड़े चोरी नहीं होंगे, पर आज आपको पता भी चल जाएगा हम कपड़े सुखा के जा रहे हैं. यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूर खाना खाने और घूमने. सो आपको गांव भी दिखाएंगे, मतलब शहर छोटा सा वो भी दिखाएंगे और अपने बैग भी यहाँ पे छोड़ के ही जा रहे हैं हम लगभग. सो हमने बैग पूरा रख दिया. मैं कह रहा था झंडा भी रहने देते हैं पर अंकुश भाई ने बोला नहीं, झंडा लगाना ही है. तो फिर झंडा लगा ही दिया हमने, बिल्कुल टाइट करके लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी. झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. जय हिंद. ओहो भाई ये टेंट कोई चोरी नहीं करेगा आपका. सही है, रख दे अंदर, रख दो अंदर. मिजोरम में कोई चोरी, कोई चोरी नहीं करेगा. पक्का? पक्का. मैं गारंटी लेता हूं, मेरे मिजोरम की मैं गारंटी लेता हूं. मेरा. ये बात सच है दोस्तों, मिजोरम में चोरियां नहीं होती. यहाँ पे इतनी ईमानदारी है कि लोग अपनी दुकान पे खुद भी नहीं बैठते हैं, बस एक गुल्लक टाइप की छोटी सी बॉटल छोड़ देते हैं और सामान रख देते हैं उसके ऊपर पैसे लिख के. लोग सामान उठाते हैं और पैसे गुल्लक में डाल के चले जाते हैं. वो तो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. हाँ, आगे दिखाएंगे भी वो चीज़.
सो दोस्तों टाइम हो रहा है इस वक्त 12 बज रहे हैं और भूख बहुत जोर से लगी है। डू यू हैव राइस? राइस दाल। ओ खाना मिल गया अपन को, खाना खा लेंगे और चार्जिंग भी कर लेंगे अपने गैजेट्स की। लाइट लाइट नहीं है अभी कह रहे हैं। ओ छोड़ जाएंगे फिर यहाँ पे, बाद में ले लेंगे क्योंकि अपने कपड़े भी सूख रहे हैं और चार्जिंग भी हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। खाना खा लेते हैं, दाल चावल यहाँ मिल जाते हैं और अपन ना काफ़ी दिनों से दाल चावल ही खा रहे हैं, 3-4 दिन तो हो ही गए लगभग। ओ यस खाना मिल गया। ये भी एक टास्क है खाना ढूंढना। करंट है, मैं मिल चुका है दाल चावल और ये पता नहीं क्या है, या पत्तों की सब्जी, यहाँ हर जगह मिलती है, कल भी मिली थी हमें और आज भी। और एक ये प्याज अपना ठेसा वाला प्याज, ठेसा मिल रहा है यार यहाँ पे, अलग ही चीज़ है यार ये, मतलब महाराष्ट्र से यहाँ तक आ रहा है। और ये राइस भी आ गया अपने। सो फाइनली खाना खा रहा है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, चिकन भी दिया उन्होंने ठीक है। ऑयल वाला चिकन बनता है यहाँ पे ज़्यादातर, बहुत ऑयल होता है उसमें। सो ये भी कोई सब्जी काट रहे हैं यहाँ पे, इसे बाल कहते हैं लोग। शो मी बाल। और भाई को भेजा बारिश से कपड़े बचाने के लिए, हमने वहाँ कपड़े सुखाने के डाले थे, वो फिर से गीले हो जाएंगे, अब तो खेल हो गया पूरा। सो यहाँ आ चुकी है अपनी टी ठीक है, और ये ना मिजो टी है, इसके अंदर हनी भी होती है और एक ग्रीन टी होती है यहाँ की, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। काइज़ावाल एक छोटा सा ही शहर है मिजोरम के अंदर, और यहाँ पे ना हर चीज़ अवेलेबल है ए टू जेड जो आपको चाहिए हो ठीक है। तो अपन को अभी छोटा मोटा सामान लेना है, मतलब कि जो अपन को कुकिंग में जरूरत पड़ेगी उसके लिए, और एक कैनी भी ले लेंगे, 5 लीटर ही खाना बनाने के टाइम पे काम आती रहेगी आराम से। सो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करा ले रहे हैं और हो गया। इट्स ओके ओके ओके। तो 430 रुपये का भर गया है। सो 430 का पेट्रोल भर चुका है और टंकी फुल हो गई थी अपनी, हमने आइजोल में पूरा भरवा लिया था ना, तो उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा नहीं भराया गया ठीक है। और अपन को यहाँ वॉशरूम भी मिल गया, कल से अभी तक वॉशरूम भी नहीं गया ना, तो वॉशरूम भी हो लेते हैं। सो दोस्तों ये खजियाल का मेन चौक है और यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सो वहाँ से अपन सामग्रियाँ लेने वाले हैं सारी, जिसकी आज हम पुलाव बनाने वाले हैं वो, और वहाँ नीचे ना सब्जियाँ मिल रही हैं तो वहाँ से सब्जियाँ भी ले लेंगे। सो बस अपना ये लास्ट समय है, इसके बाद अपन खजियाल से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और आज अपन को चार्जिंग भी देखनी पड़ेगी, बैटरी वैटरी सारी ख़त्म है, 2 दिन हो चुके हैं अपन ने चार्जिंग के बगैर ही जी लिए, बैटरी बैकअप थे मेरे पास 2 तो उससे रह ली है ठीक है। तो अब बैटरी बैकअप में बैटरी ख़त्म हो चुकी है लगभग, लास्ट ही बची है, तो इंपॉर्टेंट है चार्ज करना, तो चार्ज कर लेंगे आज। और खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि मैं ही खाना बनाता हूँ सबसे अच्छा। नहीं मुझे खाना बनाना आता है, मैं शेफ़ हूँ इसलिए। तो मैंने सामान सारा वैसे लगभग बता दिया है, सो वो सारा सामान अपन ले लेंगे, अभी लिख भी लिया मैंने एक जगह पे, तो ले लेंगे अभी जस्ट। सो अभी ना दोस्तों बाल काट रहे हैं अंकुश भाई अपने और हेवन भाई अपने, और प्रॉब्लम इनको ये हो रही है, नहीं लैंग्वेज समझाने में दिक्कत आ रही है, तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज, मतलब हिंदी से इनसे समझ के इनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर मेरी ज़रूरत पड़ रही है इंग्लिश के लिए। आई एम हाईली एजुकेटेड यू नो, ऐसी बात नहीं है, पर हेल्प हो जाती है भाइयों से एक दूसरे की। सो ये इन्होंने बाल काट दिए लगभग ठीक है, और बस इन्हीं का इंतजार है अपन को, तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस इसके बाद निकलना ही है। सो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर बीन बन चुके हैं। इतने महान कलाकार का नाम मेरा मेरे साथ जुड़ा, वाओ वाओ। डैशिंग लुक लगने वाली है आज, मैंने बोला रामपाल यादव की तरह रखो। ओफो बस आज तो बस अब मेक ओवर होने वाला पूरा ही खतरनाक वाला, और नेल पॉलिश भी कुछ होगा है। चलो पूरा मेक ओवर होने के बाद देख लेना। सो दोस्तों यहाँ पे ना पान मिल रहा है जैसे हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन पान बनाने वाले ना पनवाड़ी मारे आपने देखे होंगे, पर यहाँ पनवाड़ी देख रहे हो आप कितने क्यूट है और कितने अच्छे हैं। और यहाँ पे गुलकंद का पानी मिल रहा है और टम्बैको भी मिल रहा है, और ये लोग ना पान बहुत ज़्यादा खाते हैं ठीक है, मैंने नोटिस किया है यहाँ पे सभी लोग पान लगभग खा रहे होते हैं। सो हमने भी एक ऑर्डर कर दिया अपने लिए पान। सो या द स्वीट वन यू मेकिंग स्वीट वन हेलो। तो एक पान स्वीट वाला हमने भी ऑर्डर किया है, खा के देखेंगे मीठा वाला कैसा है यहाँ का। यूपी साइड तो पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है आपको पता ही होगा। पागल
ये हो सो दोस्तों यहाँ पे ना जिंदा क्रैब मिल गया, पूरे हाथ पे हिल रहे, देख रहे हो आप? ओ भाई, अभी तक तो हम थाईलैंड में क्रैब देख रहे थे, तो अपने देश में मिल गया क्रैब। ओफो, सो पूरा खतरनाक चीज है। सो भाई मैंने यहाँ वाली परमाड़ी को बोला था मेरे लिए पान बना देना, पर वो पान उन्होंने को समझ में नहीं आया। सो अब उन्हें समझ में आया, गुलकंद है, गुलकंद का पान मांगा उनसे। हाँ भाई मैं खाऊंगा ना, ये चूना है और ये मसाला मसाला मर्चा मसाला है, वो तो लगता है मीठे वाला। ये खाएगा तो भाई, क्या हो गया कुछ भाई? तो भाई जिंदा है, काटेंगे जिंदा, काट लेंगे। हो गया तेरा? मोर दिस, मोर मोर मेड इट स्वीट, मोर मोर थोड़ा गुलकंद कम डालते हैं यहाँ पे अपने, तो गुलकंद नो सो अपने तो गुलकंद बहुत डालते हैं। सो ये टम्बैको डाल रहे थे तो मैंने मना कर दिया, टम्बैको नहीं डालना है। सो मैं तम्बाकू नहीं खाता ना इसलिए। सो ये मीठा पान बना रहे हैं, पर मीठा होगा नहीं है मेरे 110% में पता है। या हाँ जी, इलायची या और कुछ? नहीं कुछ दिलवाना है? नहीं दिलवा ले, देख ले अब तो मिन बोल पक पक दो पक। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हम भी करवा ले थोड़ी हजामत। कराओ अपने बाल कटवाओ फिर खेती। सफर में चल चले गए, कोई चक्कर नहीं है। फाइनली अपना पान बन चुका है, पर ऐसे फोल्ड भी नहीं करके दिया है। ठीक है, एक चीज बता दूं, अगर ऐसे परवाड़ी अपने आओगे ना तो कितना, ऐसे परवाड़ी अपने आओगे तो कितना पान बिकेगा? ऐसे परवाड़ी अपने आओगे तो कितना पान बिकेगा भाई? पान बचना ही नहीं इसमें क्या, ये तो सुपारी भी है, सुपारी है, गुलकंद बहुत कम दिया है। सुपारी कैसे खाएगा? सुपारी में नशा होता है? सुपारी में का नशा होता है? क्या हो गया तुम्हें? सुपारी माउथ फ्रेशनर होती है सुपारी, और की हद होगी। इन्हें सुपारी में नशा दिख रहा है, 1 रुपए की सुपारी है, इसमें कौन सा नशा है? सो यहाँ पे ना मैं मिजो सिखाई जा रही है अलग अलग वर्ड्स। व्हाट डू यू से थैंक यू इन मिजो? कलोमे, कलोमे। ओके, एक वर्ड सीख लिया, कलोमे। ये काम का वर्ड है, राइम्स, राइम्स, नॉट करेक्ट। कलोमे, कलोमे। ओके, सो कलोमे मिल गया एक वर्ड हमको। व्हाट इज हेलो? हाउ डू यू ग्रीट समवन? हेलो, नमस्ते। कदम में, कदम में, कदम में, कदम में। आई एम फाइन, कदम में, कदम में। अच्छा है या अच्छा है? कदम में अच्छा है। ये हाउ आर यू? इदम एम, इदम में, इदम एम, इदम में। हाउ आर यू? इदम में। एम मींस क्वेश्चन, क्वेश्चन। दम एम, इदम मेम, इदम मेम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? इदम मेम, हाउ आर यू? बस ऐसे अंग्रेजी सीखना औखी पड़ी थी हमें, अब मिजोरम और सीख लेंगे और ये औखी पड़ जाएगी बड़ा। सो अपनी कसरत ज्यादा हो चुकी है, अब बारिश हो जाए तो सामान उतारो, फिर लगाओ, उतारो, लगाओ। ये देखो पाजी के पास 90 लीटर का बैग है, सबसे बड़ा बैग जो में से हम में कैरी कर रहे हैं ना, वो पाजी है, सबसे यही काम आएगा। सो कलोमे, सो कलोमे मतलब थैंक्स, और उन्होंने वेलकम बोला, मतलब मैं इंग्लिश में रिप्लाई दिया। चलते हैं अपन, अपन को भाई खाने का सारा सामान लेना है। सो फाइनली अपने सारा सामान ले लिया है, संडे टी, ठीक है, और कुछ अपने स्पाइसी ले लिए हैं, धनिया अपना, मिर्च, गरम मसाला, नमक, और बिस्किट लिए सुबह चाय के लिए, पाजी के लिए। सो अपने लगभग सारे सामान ले लिया, काम आएगा के लिए, तो फिर आराम से दीख सुबह चाय लेने के लिए। ओहो, खौफ अब शरीर हम जो कह रहे हैं।
चलो भाई सामान तो मिल गया लेकिन अपन को कटलरीज नहीं मिली जिसमें अपन रख के खाएंगे ना, वो सब नहीं मिला अभी, और ना चक्कू मिला इनके पास, तो वो सब भी चाहिए। तो दोस्तों सामान तो ले लिया सामग्री का बनाने का सारा, और कुछ ऐसी चीज़ें भी ले ली जो आगे काम आती रहेंगी हमारे, बस सब्जियाँ लेनी बाकी, अब तीन चलते सब्जी लेते हैं। सो हमने यहाँ पे आके गार्ली ले ली सब्जी मंडी में, और यहाँ पे ना वेजिटेबल्स काफ़ी डिफरेंट बिक रहे हैं हमारे नॉर्थ से, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है जो वहाँ नहीं मिलती है। अपन को ना गोभी चाहिए थी, गोभी इनके पास है ही नहीं, ठीक है, पत्ता गोभी बिक रही है इनके पास लेकिन गोभी नहीं, और पत्ता गोभी का साइज बहुत ह्यूज है इनकी लैंग्वेज समझ में, हेलो, इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती अपन को, और इंग्लिश इन्हें बहुत कम लोगों को ही आती है, जो यहाँ पर बाकी शॉप्स में उन्हें तब भी आती है। देखते हैं अगर हमें सब्जी मिलती तो बता। एक चीज़ और देख लो, ये स्नेल है, ठीक है, ये हमारे यहाँ कहीं भी नहीं मिलते हैं, शंख के अंदर होते हैं, ठीक है, और हमने अपने यहाँ पे मतलब नॉर्थ साइड में तो कभी देखा नहीं इसे बिकते हुए, ठीक है, यहाँ बिकते हैं, और यहाँ की ना बहुत तेज़ स्पाइस होती है, जैसे भूच लक्किया भी होती है ना, वो यहीं से आई है, सो इन्हीं मिर्चियों से बनती है वो द खाजा एट होटल। सो भाई जी हमसे पूछ रहे हैं आपने खाना कहाँ खाया और यहाँ कैसे घूम रहे हो, तो मैंने इन्हें बताया कि अपन ना यहाँ इसलिए घूम रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ बना रहे हैं और यहाँ का कल्चर बता रहे हैं। सो हमने सारा लगभग सामान ले लिया है, ठीक, कटलरी का भी जिससे अपन सामान बनाएंगे, 5 लीटर की बॉटल चाहिए कैनी वो ही मिल जाएगी, तो लगभग सामान हमने सारा ही ले लिया है जो हमें चाहिए। सो दोस्तों कपड़े तो पूरे ही लग रहे हैं, पर एक चीज़ गायब है, एक पगड़ी गायब है यहाँ से, ये रही एक पगड़ी हो रही, एक पगड़ी उधर है, तो बीच में से कपड़े शायद उधर हो गए बारिश की वजह से, और इधर के कपड़े इधर हो गए हैं, और यहाँ सारा सामान अपना पूरा है। ये है मिजोरम की खासियत, कुछ भी चीज़ गायब नहीं हुई, सारे कपड़े पूरे हैं भाई पूरे, ओहो कोई टेंशन थी लोड ही नहीं, पाजी था मिजोरम। ओ तो आपने मन में सोचा था, मैंने पहले बोला था मेरा मिजोरम बिल्कुल सिक्योर है, ओहो पाजी का मिजोरम, इस बात को ध्यान रखना पाजी का मिजोरम, मेरे मिजोरम पे कोई उंगली उठा दे जम्मू से फौज बुला लूंगा, ओहो तो वैसे भी सारी फौज जम्मू में ज्यादा लगी है। सो अपना सामान पूरा बनाने की तैयारी करते हैं, फटाफट सामग्री निकालते हैं। दोस्तों यहाँ अपने सोयाबीन भिगो दिए थे आते ही सबसे पहले, क्योंकि इसे लगता है टाइम, और ये अपन ने चावल भी भिगो दिए यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ जोगिंदर भाजी ने हमारे प्याज काट दिया है, जितेंद्र भाजी ने प्याज और लहसुन छील दिया है, लहसुन का साइज देखो कितना बड़ा है लहसुन का साइज, और टमाटर, ठीक है, और बस इतना ही सामान है, अपन को दही भी मिल गया था, बस अब बनाने वाले हैं यहाँ पे थोड़ी देर में पुलाव, अदरक छील के डालनी है, ठीक है भाई, और वो पाजी आपको उधर खड़े हुए दिख रहे हैं ना, उन्होंने भी काम किया है यहाँ, पहले ना झाड़ू पूरा मार दिया था, ठीक है, ओहो मेन काम इन्होंने किया है, जो पहले क्लीननेस थी ना वो करी है, उसके बाद ही तो काम हुआ है सारा, तो मेन काम वो ही हुआ ना इसलिए। सो अपन स्वादिष्ट खाना बनाने वाले हैं आज, आपको देखने में मजा आएगा, अपन को खाने में मजा आएगा, ठीक बोल रहा। सो दोस्तों हम सारा खाना अंदर ले आए हैं, ठीक है, बाहर मच्छर भी काट रहे थे तो अंदर आराम से बन जाएगा। ये रहा अपना चूल्हा, कल अपन ने चला के टेस्ट कर लिया था, अंदर दिक्कत नहीं आई थी, तो आज पाजी को टेंशन नहीं होगी अंदर बनाने में। तो यहाँ हो गई है परेड, सिलेंडर बनाते खत्म हो गया है, अब उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं, और आपको पता ही है जब खाना बनाते हैं ना लड़के तो क्या होता है, वही वाला हाल है, और सामान हमारे पास कम है तो कम सामान में सर्वाइव करना होता है, कैंपिंग वाले लोग हैं हम, है कि नहीं भाई? मुझे वो लग रहा है कि तीनों बंदे बारी बारी शॉट लेंगे और खाना तो नहीं बनने वाला। सो दोस्तों अपना ना चावल डल चुके हैं, सोयाबीन डल चुका है, लगभग मैंने सारी चीज डाल दी है, रेसिपी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे होगी, ठीक है, ज्यादातर मैं बोल देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा लेकिन भूल जाता हूँ डालना, पर हाँ मैं नीचे लिख दूंगा जो जो रेसिपी है, बहुत ईजी है, ठीक है, और अब इसे हमें सिर्फ ढक के रखना है और ये बन जाएगा, अपन को सिर्फ 12 मिनट रुकना है। पंजाब से भैया, आप खेत पीछे हैं, पीछे चलो चलो चलो।
सो दोस्तों अपना बन चुका है यहाँ पे खाना, ठीक है, और खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, खाते हैं मस्त और उसके बाद बात करते हैं। और आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ, एकदम से बड़ा बड़ा ही खतरनाक वाला सीन हो गया। ओ बस खाने बैठ गए, ये डोंगों में ही खाएंगे अपन, इसी में बना लिया था अपन ने, काट पाट के सब कुछ इसमें रख लिया था, मस्त खा के मिलते हैं। सो दोस्तों अभी तक हम कॉफ़ी पी रहे थे और ये चाय का मिक्सचर आ चुका है यहाँ पे, आप देख रहे हो टी मिक्सचर, ये पता किसके लिए आया है, एक ही हमारे बीच में चाय का शौकीन है, हालांकि मैं भी शौकीन हूँ, बताता नहीं, कोई नहीं पिएगा ना मैं पीने जाऊंगा नहीं मैं चाय का शौकीन हूँ, मैं पीऊँगा और भाई भी शौकीन है, पर ये प्राणी जो है ना इधर, ये खुले पेट वाले ये चाय के शौकीन नहीं है पिएगा तो ना सच्ची तो। ओहो चलो ठीक है भाई, जब तक मेरे साथ तो चाय के बिना गुजारा किसी के नहीं। सो दोस्तों व्लॉग एंड कर देते हैं, टेंट के अंदर आ चुके हैं अपने, मस्त आराम करते हैं, कल सुबह एक अच्छी सी लोकेशन आपको दिखाएंगे, मज़े भी कराएंगे, और आज तो लोकेशन दिखाने का मन था लेकिन कपड़े धोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कपड़े भी गंदे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। सो आज अपन ने पूरा रेस्ट किया लेकिन कल इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज़्यादा व्लॉग। Thank you.